नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार में दशहरा महापर्व शांति समिति की बैठक बीडीओ की अध्यक्षता में की गई। विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार में दशहरा महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक बीडीओ की अध्यक्षता में की गई। बैठक में प्रखंड के विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में थाना प्रभारी शहबाज अंसारी ने कहा कि दुर्गा पूजा का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। दुर्गा पूजा के दौरान असामाजिक तत्व के लोग बाधा उत्पन्न ना करें, इस पर पूजा कमेटी के लोग विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। पर्व के दौरान अशांति फैलाने का कार्य करता है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कमेटी अश्लीलता पर विशेष ध्यान रखेंगे, अन्यथा प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। कमेटी के लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा कमेटी के 5 सदस्य आई कार्ड लगाकर पूजा पंडाल में मॉनिटरिंग करते रहेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी अपनी समस्या को रखा। वहीं पर विधायक प्रतिनिधि दिनेश राम ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार जिस तरीके से पर्व से मनाते आए हैं, उसी तरह इस वर्ष भी मनाएंगे। पर्व के दौरान किसी तरह का बाधा उत्पन्न करने के लिए असामाजिक तत्व पर कमेटी के लोग विशेष निगरानी रखेंगे। साथ ही कहा कि डंडे के देवी धाम पर पूजा के दौरान महिला श्रद्धालुओं की काफी भीड़ हो जाती है। उन्होंने थाना प्रभारी से अष्टमी नवमी के दिन गश्ती बढ़ाए हुए पूजा पंडाल में पुलिस जवान की तैनात करने का आग्रह किया है। वहीं सभा का संचालन अंचल अधिकारी चोनाराम हिमरम ने किया। मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, दीनानाथ पांडे, करके पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सूर्यदेव चौधरी, बीडीसी मनीष चौधरी, लव चौधरी, अशोक प्रसाद, जफर इकबाल, संतोष कुमार, रामनाथ पासवान, कन्हैया प्रजापति, शशिभूषण मेहता, डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश राम, जयराम चौधरी सहित विभिन्न पूजा समिति के लोग उपस्थित थे। धन्यवाद।